ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए राशिफल लेके आई हूँ 20 जुलाई से 26 जुलाई का। राशिफल बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि राशिफल जो है सामान्य होता है, इसे आप लोग इसी तरह से लिया करें फाइनल रिजल्ट लेने के लिए। जो आपके हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति होती है उसे देखना बहुत आवश्यक होता है, और ये राशिफल जो होता है चंद्रमा और लग्न दोनों को ही लेकर के निर्धारित किया जाता है। तो आप अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों से ही इसका परिणाम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं मेष राशि के लिए बताना चाहती हूँ, इस सप्ताह आप लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें रहेंगी उन्हें लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है। सप्ताह का जो प्रारंभ होगा उसमें थोड़ी बहुत मानसिक उद्विग्नता हो सकती है, तो उस ओर थोड़ा सा सावधानी बरतें। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र थोड़े से परिश्रम के साथ में आगे बढ़ेगा, भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा, पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा हुआ रहेगा। और इस सप्ताह में आपके जीवन साथी की जो स्थिति रहेगी वो भी कुल मिला करके ठीक रखनी है, और साथ ही साथ आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा विशेष रूप से सामंजस्य के साथ में आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद दूसरी राशि वृषभ के लिए, सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है इस सप्ताह आप के अंदर बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास रहेगा, आपकी आय की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, वाणी में आपको थोड़ा सामंजस्य बना के चलना है। हो सकता है कि आप किसी तरह का वाद विवाद कर सकते हैं, तो उस ओर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। और आपका पराक्रम जो है वो इस सप्ताह में सामान्य रहने वाला है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र आपका अच्छा बना हुआ है, आय की स्थिति आपकी अच्छी है। इसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है, इस सप्ताह आपकी आय की स्थिति तो अच्छी रहेगी और खर्चे भी होने की संभावना बनेगी, साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व कॉन्फिडेंस ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है इसलिए कोई कार्यों में विशेष बदलाव अभी ना करें, कर्म क्षेत्र आपका अच्छा बना रहेगा, आय की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, संतान शिक्षा और इन्वेस्टमेंट की स्थिति भी आपकी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद कर्क राशि वालों के लिए, कर्क वालों के लिए देखिए ये जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है ये आपके आत्मविश्वास में तो बढ़ोतरी करेगा, साथ ही साथ थोड़ी सी मानसिक चिड़चिड़ाहट भी पैदा कर सकता है। आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर की स्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य का आपको अभी सहयोग मिल रहा है लेकिन पूरी तरह से अभी आपका जो कर्म क्षेत्र है वो विशेष रूप से मजबूत स्थिति में बना हुआ है। आय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा और कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है तो उसका भी आपको फायदा मिल सकता है, विदेश से संबंधित कोई कार्य है तो वो भी आपके पूर्ण होने की संभावना रहेगी। इसके बाद जो आपका जीवन साथी से संबंधित जो चीजें हैं वहां पे आपको थोड़ा सा सामंजस्य को बनाते हुए चलना है, और लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर दोनों की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। इसके बाद सिंह राशि और लगन वालों के लिए ये सप्ताह आपका थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखने की आवश्यकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर के कोई दिक्कत हो सकती है, मानसिक चिड़चिड़ाहट बेचैनी इस तरह की आपको अनुभूति हो सकती है, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और आपको आय की भी स्थिति निर्मित हो रही है, किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन शिक्षा प्रेम संबंध ये सारी चीजों में भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इस पीरियड में आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सामंजस्य बना करके चलना है, तभी आपकी चीजें सही ढंग से हो पाएंगी। और भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है तो उस ओर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि भी कोई नया काम या कुछ भी नया भी आप ना शुरू करें, भाग्य का भी आपको बहुत ज्यादा सहयोग नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपका जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये तो आपके लिए आय की दृष्टि से अच्छा है,
आय की दृष्टि और मित्र सर्कल, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उधर से अच्छा है। आपका जो घर है, आपकी माता है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वहां पर आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में और बहुत अच्छे से सोच विचार करके निर्णय करिएगा, तो आपको उस क्षेत्र में फायदा हो सकता है। संतान शिक्षा, इन चीजों से संबंधित आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। आपका जो जीवन साथी है और बिजनेस पार्टनर, वहां से आपको लाभ होने की संभावना बन रही है, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ में आपको सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा। इसी के साथ जो आपका भाग्य है, पिता है, इन चीजों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका कोई हायर एजुकेशन से संबंधित कार्य है तो वहां भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ना है। इसके बाद जो छठवीं राशि हमारी तुला है, तुला वालों के लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है वो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव को लेकर के शुरुआत हो रही है, और आय की भी यही स्थिति बनी हुई है। आय में भी, इनकम में भी जो है फ्लक्चुएशन बना रहेगा। और हायर एजुकेशन, और आपने, आपके फादर और जो भी आपकी कोई धार्मिक यात्राएं वगैरह हैं, वहां पे भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ ही चीजें आगे बढ़ेंगी। आपका घर का जो सुख है, माता, भूमि, वाहन, वाहन, इन सारी चीजों में आपको सफलता इस सप्ताह में मिल सकती है। जीवन साथी के साथ में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलना है। बिजनेस पार्टनर के साथ में भी अभी आपको सामंजस्य के साथ में ही आगे बढ़ना है। और इस सप्ताह आपका पराक्रम जो है, पराक्रम की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, और आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की कोई चीजें आप के सामने आ सकती हैं, तो अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, और कोई भी पेपर वगैरह हो उस पर साइन करने के पहले थोड़ा अच्छे से उसको देख के फिर आगे बढ़ें। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपके संतान शिक्षा और बुद्धि, आपके व्यक्तित्व, इन सारी चीजों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपका काफी अच्छा तालमेल रहेगा, और आपका धन संपत्ति वाणी, इसकी भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में। कार्य क्षेत्र जो है आपका अच्छा बना हुआ है, और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए अभी ये समय अधिक अच्छा नहीं है। और ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सुटेबल टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा सोच विचार कर ही इस सप्ताह में कोई निर्णय आप लीजिएगा। इसके बाद धनु राशि वालों के लिए, देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है वो आपके व्यक्तित्व के लिए तो बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी इस सप्ताह में काफी पॉजिटिव रहने की संभावना है, लेकिन वाणी जो है आपकी, वाणी का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि संभावना बनेगी कि आप किसी भी तरह बोलने में थोड़ा सा आप हो सकता है कि बहुत कड़वाहट आ सकती है, तो उस ओर आप थोड़ा अपने बोली का ध्यान रखिएगा जिससे चीजें ना बिगड़ने पाए। इसके साथ में आपका जो माता का सुख है, आपका भूमि, वाहन, इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट वगैरह, घर का सुख, वहां पे चीजें आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई हैं, तो आप कोई निवेश वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है। लेकिन आपको घर का अंदरूनी जो सुख है उस ओर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का घर के अंदर लड़ाई झगड़े या कलह की स्थिति ना निर्मित होने पाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्थिति अच्छी बनी हुई है। उसके बाद आपका जो आय की स्थिति है वो भी आपकी ठीक है, और किसी भी तरह का अगर आपने कंपटीशन वगैरह दे रखा हुआ है तो वो भी आपके फेवर में आ सकता है। जीवन साथी के साथ में आपको भी सामंजस्य बना के चलने की जरूरत है, और ये स्थिति निर्मित हो सकती है कि थोड़ा आपको मानसिक चिड़चिड़ाहट और बेचैनी भी साथ में रहेगी, तो आपको अपने मन का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अनावश्यक रूप से अपने आप को परेशान ना करें। इसके बाद मकर वालों के लिए देखिए, मकर वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है ये आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से तो काफी अच्छा है, उस ओर से तो बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन साथ में आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए चलना है। ससुराल पक्ष के साथ आपको विशेष रूप से सामंजस्य बना के चलना है। विदेश क्षेत्र से आपका कोई कार्य है संबंधित, तो वो सब चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। साथ ही इस सप्ताह आपका पराक्रम काफी बढ़ा हुआ रहेगा,
लेकिन साथ में आपको कोई इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह का व्हीकल ड्राइविंग वगैरह आप कर रहे हैं, तो उस ओर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय सही नहीं है, लेकिन संतान शिक्षा, कोई कंपटीशन, पढ़ाई वगैरह है, उसके लिए आपको काफी सपोर्टिंग टाइम बना हुआ है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी सप्ताह आपका अच्छा है, और विदेश से संबंधित कोई घटना भी सप्ताह आपके सामने आ सकती है। इसके बाद कुंभ राशि वालों के लिए, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, वो आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है मानसिक चिड़चिड़ाहट पैदा हो। वाणी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समय संभावना बनेगी कि आप बहुत कड़वा बोले या इस तरह से कुछ करके हो सकता है कि आप अपनी चीजों को खराब करने का काम कर सकते हैं। तो वाणी की ओर से आपको विशेष रूप से संभालने की जरूरत है, संभाल करके चलिएगा। हालांकि आय की स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी, घर का सुख बहुत उत्तम रहेगा, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, कोई व्हीकल वगैरह लेना है, इन सब चीजों के लिए ये सप्ताह आपका सपोर्टिंग है। कार्य क्षेत्र आपके लिए एजुकेशन से संबंधित, बच्चों से संबंधित चीजों को थोड़ा सा बहुत सोच समझ करके और बहुत अच्छे से टाइम दे करके फिर आप अपने पढ़ाई लिखाई और बच्चों से संबंधित जो चीजें हैं उस ओर आप कोई डिसीजन लीजिएगा। और किसी भी तरह का जो आपका कोई डिस्प्यूट वगैरह है, कोई लीगल इश्यूज वगैरह है, वहां पे भी बहुत सपोर्टिंग स्थिति नहीं बनी हुई है, तो उस ओर आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। आय की स्थिति आपकी अच्छी है, विदेश से संबंधित कोई चीजें हैं तो वो आपके लिए फेवर में आ सकती हैं। आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इन्वेस्टमेंट के लिए ये सप्ताह आपका अच्छा है, घर के सुख के लिए बहुत अच्छा है, आप अपने परिवार के सुख के ऊपर भी सप्ताह में काफी पैसे वगैरह भी खर्च कर सकते हैं। इसके बाद मीन राशि वालों के लिए, देखिए मीन राशि वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा, आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में आगे बढ़ेगा, इनकम की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके काफी अच्छे संबंध रहेंगे, पराक्रम आपका सामान्य रहेगा, घर का जो अंदरूनी सुख है उसको थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आपको आगे बढ़ना है, संतान शिक्षा की जो स्थिति है वो आपकी मध्यम रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव इस समय नहीं दिखाई पड़ रहा है संतान शिक्षा, और जो आपका कोई क्रिएटिव वर्क है तो उस ओर आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है मीन राशि वालों के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि 12 राशियों लग्न के लिए ये सप्ताह किस तरह रहने वाला है। आप इसको अपने हफ्ते को प्लान करने के लिए देख सकते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत सामान्य होता है राशिफल, तो इसको हूबहू जैसे मैंने बताया है उसका पूरी तरीके से अपने राशि के आधार पे पूरा 100% मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये गोचर पर आधारित राशिफल होता है, और वर्तमान समय में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं ट्रांजिट में, जो चल रहे होते हैं, उनके आधार पर गणना होती है। विशेष रूप से अपने परिणाम को जानने के लिए अपने जन्मकालीन पत्रिका के ग्रहों का अध्ययन करवाना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक ज्योतिष संबंधी जानकारियां पहुंचे। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर किसी नए विषय पे कुछ लेके आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।